I want nobody but you. I want nobody but you. So hello guys, good morning and welcome back again to the other video of Bindas Family Vlog. So guys, काफी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है. उसका कारण ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेसिकली मेरे को सर्वाइकल का इशू हो गया. आजकल जा रहा हूँ भाई लोगों में फिजियोथेरेपी कराने, इट्स बेटर नाउ. और आज छोटी होली भी है, तो सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूर्ण होगा. तो गाइज, सबसे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम कल रात से, कि कल रात को क्या हुआ, क्या क्या प्रिपरेशन हो रही थी होली को लेकर. और काफी मजे आने वाली हैं इस ब्लॉग में. अभी थोड़ी देर में सोनिका भी आ जाएगी और सौमित ऑलरेडी यहाँ आया हुआ है घर पे होली पे, तो आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे साथ. समझा रही है आदि और सौमित को की कैसे बनेगी, तो दोनों हेल्प कराने वाले हैं. नहीं, मैं नहीं मानता. रुचि गुस्सा हो जाती है कभी, मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ तो, बट मेरा मानना है बी नेचुरल. तो सौमित ने शुरू कर दिया बनाना. बस सौमित बस निकल जाएगा, मैं सारी रात बनाती रहूंगी. नहीं तो पोगो भी बैठ गया हमारे साथ. पोगो तुमको मुझे बनवानी है खाने को. अब हमें वो खाने का सोच रहा है. सही बोल रही हो. ये हमारे एक्सपर्ट्स बना रहे हैं गुजिया. एक जगह से देखते हैं कैसी निकलती है फाइनेस्ट. छोड़ दे बस, पर उससे मशीन से अच्छे अच्छे करते भी आती है. हाथ से कैसे बनाते हो ऐसी चीज, वो तो बनती है. मुझे आज के हाथ पर हां ऐसे ऐसे घूमते थे, हाथ से घूमते थे. अरे मेरे मम्मी तो बहुत सुंदर बनाती थी. एक समय पर उतनी ही डल गई. अरे पहले तो उतनी अच्छी नहीं आती थी बनानी, लेकिन बेलते थे हम लोग. अरे हो जाएगा, बाहर नहीं निकलना चाहिए नहीं तो खुल जाएगी. सो गाइस, क्योंकि कल है छोटी होली और तैयारी जो चल रही है पीछे. सो गाइस, मैं इन दोनों से ये बोल रहा था कि सोनिका को जो है ना दो दो गुजिया कम मिलेगी. तो सौमित ने क्या बोला, क्या बोला सौमित, क्यों? क्योंकि उसने काम नहीं करा. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी. हाँ तो क्यों मारेगी, बहन है इनकी. ऐसे तो खा लेना भाई, खा लेना, खा लेना. The next day. So guys, यहाँ मैं सुबह सुबह पहुंचा अपनी फिजियोथेरेपी कराने के लिए. फिजियोथेरेपी करा के फिर मैं आया घर. उसके बाद दोस्तों मैं आदि और सौमित निकल पड़े मार्केटिंग करने के लिए सब्जी की. इस सब्जी की खरीदारी के बाद अब हम आ गए हैं यहाँ कुछ ग्रॉसरी से रिलेटेड सामान लेने. कल होली है तो कुछ स्पेशल होगा, तो उसी की तैयारी में भी है ये सामान. ये है भाई लोगों, सर्वाइकल होगा तो दो चार पाँच दिन लगाना पड़ता है. ताज्जुब मत हो मुझे देखकर. चलिए कंटिन्यू रहिए आप. अच्छा, हमको सिखा रिया है. सो गाइस, सोनिका आ गई है और पोगो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा है. पोगो सोनिका कहाँ है? सोनिका आ गई और अपने गैंग को शामिल होने वाली है फटाफट जल्दी. हाँ
इतनी लेट क्यों है सोने का तू? कुछ काम चल रहा था हाँ क्या बोला तूने? प्लम्बर ही नहीं आया सुबह से आज है जाओ देखो भाई लोग क्या कर रहे हैं। चलिए गाइस हम कंटिन्यू रहते हैं और इधर चल रही है सोनिका और पोगो की मस्ती। चलिए गाइस मिलते हैं 11:15 होलिका दहन। सो गाइस टाइम हो गया है 11:15 बज चुके हैं रात के और होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो हम भी चलते हैं वहां के लिए। चलिए सोनिका को आ रहा है आलस और वो नहीं जाना चाह रही है, बोली भैया लोग ही चले जाओ चला दिया। सौमित ने पूरी तैयारी कर ली है, गेहूं और चने, तो इन्हें आग में होलिका जहाँ जलती है वहां पे ऐसे करके भूनते हैं। So guys, अब देख सकते हैं कि होली का दहन हो रहा है। भीड़ काफी है, थोड़ा वेट करते हैं अपन। चलो हाथ जोड़ लो बच्चों। सो गाइस हमने पूजा कर ली है और जैसा प्रसाद के रूप में अब हम ये लेके जा रहे हैं घर। दोनों की बदमाशी देखी, सोनिका घर पे है और आदि ने यहाँ से एलेक्सा में आमी जे तुमार हॉरर गाना चालू कर दिया है एलेक्सा पे। क्या पॉज करती है कि नहीं? हाँ तुम में बैठी होगी ना, चलो चल के उसको भी देखेंगे। सुनेगा आमी जे तुमार है? पता इसको डराने के लिए, इसको डराने के लिए आदि ने नीचे चला दिया। डर गई थी ना, वो चुप था बिल्कुल, चलते चलते मैंने भैया का
आपने से बोल दिया कि चुप हो जाओ, दिक्कत है कि ऐसे ही बैंड चलाते स्पॉटिस में तो इंस्ट्रक्शन दे दो तो रुक जाती है, बट कंट्रोल नहीं होता वहां से ऑन बंद कर ऑन क्यों नहीं हो रही वो वही खड़े गेट पे ट्राई कर रहे लग जाए कनेक्ट चलो गाइस, तो मैंने आपको बताया नीचे, गाइस मैंने आपको बताया था नीचे कि आदि कुछ कर रहा है गड़बड़, ये दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं और वाकई में सोनिका डर गई यार। अरे डॉक्टर साहब ऐसे डरोगी तो काम नहीं चलेगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने देखा आज के ब्लॉग में कि कैसी थी होली की तैयारी हमारी अभी तक की, और कैसा होलिका दहन का कार्यक्रम रहा, और हमने दिन भर क्या क्या किया। कल का दिन होली है तो एडवांस में सब लोगों को हैप्पी होली। कंटिन्यूएशन का ब्लॉग डालूंगा, वेट करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। चलिए टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड सेफ होली। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।